नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी साहित्य की एक अनन्यतम प्रवृत्ति, एक प्रमुख विशिष्टता, एक प्रमुख स्वरूप लिए हुए समकालीन कविता शीर्षक पर हम बात करेंगे। एक काव्य का एक ऐसा स्वरूप जो कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि काव्य कहाँ से विचारणीय था, काव्य कितनी प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ा और मध्य वर्ग और शोषण का किस काव्य में चित्रण हुआ, इसका विविध प्रारूपीय दृष्टिकोण से हम समकालीन काव्य में अध्ययन करेंगे। समकालीन काव्य वस्तुतः है काव्य की एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लेखक अपने क्रियाकलापों के माध्यम से एक भोगे हुए यथार्थ की, एक जिए हुए जीवन की बात करता है। वह हमें यह बताता है कि समकालीन साहित्य अपने आप में युगधर्मी परंपराओं का, मान्यताओं का वह मापदंड है जो मापदंड कहीं ना कहीं विषय वस्तु को एक आम जन से पकड़े रहने की बात करता है। यह भोगे हुए यथार्थ की अनुभूतियों को लेकर पाठक के समक्ष उपस्थित होता है। तो समकालीन काव्य क्या है? लेखक भोगे हुए यथार्थ को व्यक्त करता है, शब्द रूप प्रदान करता है, समकालीन काव्य आम व्यक्ति की पीड़ा एवं संघर्ष का वह जीवंत दस्तावेज है जो कहीं ना कहीं मानव मन के उलझे पक्षों को अनावृत करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। समकालीन काव्य युग सत्यों की अधुनातुन व्याख्या है। यह आम जन को स्वर प्रदान करती है। यह बिखरे मानव मन की अंतरिम अभिलाषाओं की सहज अभिव्यक्ति
यह मूलतः वर्तमान जीवन के संघर्षों का अनन्यतम अंकन है जिसे पाठक वर्ग आत्मसात कर स्वीकृति प्रदान करता है। जयप्रकाश कर्दम। अब यह सवाल उठता है कि समकालीन काव्य की पृष्ठभूमि क्या थी, तो इसे पृष्ठभूमि प्रारूप वैशिष्ट्य इन तीन बिंदुओं में वर्गीकृत करते हैं। आम जन की पीड़ा का दस्तावेज, शोषण का यथार्थवादी चित्रण, आत्म संवेदन की मूल वृत्ति, आधार केंद्र का सटीक मूल्यांकन, सामाजिक संचेतना की वाहक उत्कृष्ट मनोसामाजिक वितान, पृष्ठभूमि मूलतः संघर्ष व शोषण से जन्म हृदय की आंतरिक वृत्तियों का सूक्ष्म प्रस्फुटन, भावजन्य युग धर्मों की अगुणातुल व्याख्या, प्रारूप। इसके फिर दो भाग हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। सबसे पहले भाव पक्ष की बात करते हैं। भाव पक्ष, सूक्ष्म तथ्यान्वेषण मूल सांकेतिक वृत्ति उद्घटन
विषयनिष्ठ प्रारूप संचेतना वादी मूल्य अर्थपरक विश्लेषण सहज लघु वाक्य विन्यास भाव संप्रेषक शब्द चयन फिर नव प्रतीक बिंब व सहज ग्राह्य अलंकार प्रयोग वैशिष्ट्य पृष्ठभूमि प्रारूप कला पक्ष भाव पक्ष अभिव्यंजना शिल्प अभिव्यक्ति के तमाम स्तरों को समकालीन कविता जब समेटे हुए बात करती है तो उसमें एक आम पाठक एक ग्रामीण परिदृश्य नगरीय जीवन से उत्पन्न विद्रूपताएं उनकी समस्याओं का सहज अंकन किया जाता है। तो अभिव्यंजना पक्ष में नगरीय जीवन शैली से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक वैयक्तिक दबावों की अभिव्यक्ति जीवन के उद्दाम क्षणों की उधेड़पूर्ण को शब्द रूप प्रदान किया भाषाई विविधता को भावनात्मक सौंदर्य प्रदान किया भोगे हुए यथार्थ को अनुभूति व अभिव्यक्ति के समन्वयन से संतुलित प्रस्तुतिकरण दिया समकालीन काव्य
समकालीन काव्य जीवन मूल्यों व परंपराओं का वह पोषक आधार रहा जिसने मानव मन की घुटन को अभिव्यक्ति का सूक्ष्म आकाश प्रदान किया। अवकाश के क्षणों में मानव मन के बिखराव व प्रश्नों को अभिव्यक्ति के सांचे में ढाला, जिससे पाठक वर्ग आम जन की पीड़ा को सघनी भूत कर अंगीकार करने लगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा। कहीं ना कहीं समकालीन काव्य अपना एक ऐसा निश्चित आधार लेकर के सामने चला कि लेखक भोगे हुए यथार्थ को शब्द प्रारूप प्रदान करने के लिए विवश हो गया। और ये जो शब्द प्रारूप था, ये भाव व अर्थ के नव व्यापारों की घिसे पिटे स्वरूपों को छोड़ करके भाषाई विविधता को नए दृष्टिकोण से अंगीकार करने की कला इस समकालीन काव्य की अंतरिम विशिष्टता रही। और यहाँ पर जो इसका वैशिष्ट्य जो हम लोग कह रहे हैं कि आम उनकी पीड़ा का दस्तावेज है, शोषण का यथार्थवादी चित्रण है, आप संवेदन की मूल प्रवृत्ति। जब तक साहित्यकार किसी से संवेदना नहीं रखेगा, तब तक उसके साहित्यिक अभिव्यक्ति और अनुभूतियों का अवकाश उसे श्रेयस्कर प्राप्त नहीं होगा। आधार केंद्र का, यहाँ आधार केंद्र से तात्पर्य है मानव मन की तमाम वृत्तियों का, जिसमें घृणा, लोभ, क्षोभ, मोह आदि आते हैं, का सटीक मूल्यांकन है। फिर सामाजिक संचेतना की वाहक कि समाज किस प्रकार से परिवर्तनशील है, वह क्या चाहता है, इसके बारे में भी अभिव्यक्ति हो रही है। उत्कृष्ट मनोवितान, ये हमारे मन में प्रतिक्षण परिवर्तनशील भावनाओं का एक ऐसा बिंब सामने आता है कि जो ये बताता है कि वास्तविक रूप से मनुष्य क्या सोच रहा है। उसका केंद्रण में एक सामाजिक परंपराओं का क्या अवशेष है, क्या उसका मूल अस्तित्व है, इसका वर्णन किया गया। फिर इसकी पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई, मूलतः संघर्ष और शोषण से इसका जन्म हुआ। हृदय की आंतरिक वृत्तियों का, हमारी घुटन, हमारी संवेदना, हमारी सूक्ष्म वृत्तियों का किन आलोकों में वर्णन किया जाता है, ये चीज बताएगी। कि भावजन्य युग धर्म की अधुनातन व्याख्या, किसी भी कालखंड में साहित्य अपना एक युग धर्म लेकर चलता है, वह अपनी वृत्तियों में उसको परखता है और वह उसकी आने वाले जो कालखंड है उस कालखंड में अपना आदर्श रूप कैसे सामने रखता है, उसकी व्याख्या समकालीन कविता ने पूरी की। अब प्रारूप है, प्रारूप के दो पक्ष में मान लेते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष में सूक्ष्म तथ्यान्वेषण, सूक्ष्म चित्रण से उस घटना का, उस विषय वस्तु का पूरी तरीके से चित्रण विषय करना। फिर मूल सांकेतिक वृत्ति के वास्तव
निष्ठ प्रारूप, फिर संचेतनावादी मूल्य, फिर अर्थपरक विश्लेषण आदि, फिर कला पक्ष, इसकी भाषा शैली सहज, लघु वाक्य विन्यास, भाव संप्रेषक शब्द चयन, नव प्रतीक बिंब व सहज ग्राह्यता, सहज ग्राह्य अलंकार प्रयोग। अलंकारों का कोई भारी भरकम लंबा इसमें नहीं चढ़ाया गया। फिर अभिव्यंजना शिल्प जो कि समकालीन कविता का प्रमुख विशिष्ट तत्व है कि नगरीय जीवन शैली से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक वैयक्तिक दबावों की अभिव्यक्ति, हम किस जीवन से गुजर रहे हैं, हमारी क्या समस्याएं, उन समस्याओं का पूर्ण अंकन किया गया। फिर जीवन के उद्दाम क्षणों की, जब मनुष्य उधेड़ बुन के पल में जी रहा होता है, उसके मन में बहुत सारी चीजें उमड़ करके आ रही होती हैं, को शब्द रूप प्रदान किया। कई बार हम जो सोचते हैं उसे हम कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, समकालीन कविता ने उन सत्यों की व्याख्या की। फिर जी भाषाई विविधता को भावनात्मक सौंदर्य प्रदान किया। कई बार हमारे जो शब्द हैं वो शब्द पूर्णतया आकार नहीं ले पाते हैं, अभिव्यक्ति हमारे मन में बहुत है लेकिन उन्हें कागज का रूप प्राप्त नहीं होता। ऐसे समय पे जो शब्द प्रत्येक, चाहे प्रेम की भाषा हो चाहे वो क्रोध की भाषा हो, उनको समझाते हुए अभिव्यक्ति के जिन स्तरों को छूते हैं, ये समकालीन काव्य का एक विशिष्ट अंग रहा है। फिर भोगे हुए यथार्थ का अनुभूति जो हम स्वीकार कर रहे हैं और अभिव्यक्ति जो हम बता रहे हैं के समन्वय से संतुलित प्रस्तुतिकरण किया, एक बैलेंस जिसे कहते हैं, एक आधार बनाया कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति आती है। फिर समकालीन काव्य जीवन मूल्यों और परंपराओं का वह पोषक आधार रहा जिसने मानव मन घुटन को अभिव्यक्ति का सूक्ष्म आकाश प्रदान किया। अवकाश के क्षणों में, फुर्सत के पलों में मानव मन के विकराल और प्रश्नों को अभिव्यक्ति के सांचे में ढाला, जिससे पाठक वर्ग आम जन की पीड़ा को सघनीभूत कर अंगीकार करने लगे। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। प्रत्येक लेखक यही बात कहता है कि मूलतः जीवन के संघर्षों का अनन्यतम अंकन है जिसे पाठक और आत्मसात कर स्वीकृति प्रदान करता है। चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे समाज का शोषक वर्ग हो, चाहे वो शोषित वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग की घुटन कुंठा का विश्लेषण इसमें किया गया। धन्यवाद।